हाँ जी दोस्तों, आज के इस लेसन में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चार राग जिसमें आपको दुनिया जहान के अरबों करोड़ों गाने सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अगर आप इन चार रागों को तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए आपके बहुत सारे गाने आपके तैयार हो जाएंगे। अभी बात आती कि ये ऐसे कौन से चार राग है जिसमें हमारे लाखों करोड़ों गाने हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला राग है राग शिवरंगनी, दूसरा राग है राग पहाड़ी, तीसरा राग है राग चारों केसी, चौथा राग है राग दरबारी। ये चार अपने ऐसे राग हैं जिसमें हमारे लगभग 95% फिल्मी गाने कवर हो जाते हैं, चाहे पंजाबी सॉन्ग है, चाहे हिंदी सॉन्ग है, चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का सॉन्ग है, सब के सब आपके इन चार रागों में कवर हो जाते हैं। तो बात आती है कि हम इन रागों को तैयार कैसे करें। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन रागों को तैयार करने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हर एक राग का जो निचोड़ होता है उसके आरोह अवरोह में होता है। आरोह का होता मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जाना, अवरोह का मतलब होता है नीचे आना। अवरोह आरोह का मतलब चढ़ाई करके जाना और अवरोह का मतलब नीचे उतर के आना। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं राग शिवरंगनी में। तो राग शिवरंगनी की बात करूँ तो इसमें पांच स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो जो स्वर है सा, शुद्धरे, कोमल गा, पा, धा, सा। सा रे कोमल गा पा धा सा, ये इसका आरोह है। ठीक है, अभी मैं एक बार आरोह अवरोह दोनों बजा के दिखा देता हूँ आपको। एक तो होता है खाली मैंने बजा के दिखा दी, अभी ये चीज आपको गाने भी आती हो। आपके दिमाग में ये आरोह अवरोह इस कदर बैठा हो कि आपको बिना हारमोनियम पे भी गाना हो तो आप इसका आरोह अवरोह गा सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो राग का आरोह अवरोह है आपको हर एक स्केल से आना जरूरी है। देखिए, जैसे मान के चलिए मैं अभी यहां से बजा रहा हूं, स्केल से आपको राग का आरोह अवरोह तैयार होना चाहिए, तभी आपका राग अच्छे से तैयार होगा। खाली एक ही स्केल से आरोह अवरोह को कम से कम 50 बार बजाइए। 50 बार बजाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में उसके स्वर बैठ जाएंगे। 50 बार बजाने का जैसे स्टाइल होगा, बताता हूँ कैसे बजाना आपको। देखिए, पूरे हारमोनियम पे बजाइए, यानी कि यहां से शुरू की सा रे गा पा धा सा रे गा, पूरे हारमोनियम पे चलाइए इस राग को। ये खाली एक स्केल से नहीं, हर एक स्केल से उसको बजाना, तभी आपका ये राग तैयार होगा। पहला चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज क्या है कि आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग शिवरंजनी, तो वहां पे आपको राग उन गानों की लिस्ट मिल जाएगी जो गाने राग शिवरंजनी में। उनमें से कुछ गानों के नाम मैं भी बता देता हूँ, जैसे कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, और एक जीता था जिसके लिए, ये भी एक फिल्मी गीत है, बहारो फूल बरसाओ, मेरे नैना सावन हो, तो ये गाने सारे आपके राग शिवरंजनी में कवर होते हैं। उन गानों को आप पहले पहली काली से बजाना सीखिए, पहली काली से एक गाना हो जाए, फिर आप उसको यहाँ से बजाइए, यहाँ से बजाइए, यहाँ से बजाइए, यहाँ से बजाइए, यानी कि 12 के 12 स्केल से उस गाने को तैयार करिए। इसी तरह फिर दूसरा गाना पकड़िए राग शिवरंजनी का, फिर उस गाने को हर एक स्केल से बजाइए, फिर तीसरा गाना पकड़िए। इस तरीके से अगर आप एक राग को बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार करते तो जिंदगी में कोई भी गाना ऐसा जो बजेगा और आप फट से उसको सुन के बता दो कि ये गाना मेरा राग शिवरंजनी में है कि नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में इस कदर इस राग के स्वर बैठ जाएंगे। इस जो राग की जो साउंड है ना, जो इसकी धुन है, देखो ये इसकी एक धुन है, अलग सा साउंड है। देखो, ये फ्रेज आपको गानों में मिलेगा, आप फट से सुन के बता देंगे कि ये गाना मेरा राग शिवरंजनी में है, शिवरंजनी में है कि नहीं है। ये तभी हो पाएगा अगर आपने उस राग को पूरे हारमोनियम पे बड़े अच्छे तरीके से बजाया होगा, हर एक स्केल से बजाया होगा। अगर उस राग के गाने आपने बड़े अच्छे तरीके से हर एक स्केल से बजाए होंगे,
इस तरीके से आपका एक राग तैयार होता है। जरूरी नहीं कि आप बंदिश करेंगे तभी आपका राग तैयार होगा, राग को सही तरीके से तैयार करने का यही सही तरीका है कि आप एक राग का आरोह अवरोह पकड़िए, उसको एक ही आरोह एक ही स्केल को कम से कम 50 बार बजाइए, उसमें सारे गा, जैसे इसमें जो स्वर लग रहे सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, इसको 50 बार कंटिन्यूसली बजाते रहिए। जब एक बार हाथ बैठ गया फिर उसको पूरे हारमोनियम पर बजाइए, पूरे हारमोनियम पे बजा लिया फिर इसको स्केल चेंज करके बजाइए, यहाँ पे बजाइए, यहाँ से फिर बजाइए, फिर इसको फिर पूरे हारमोनियम पर बजाइए, फिर उसके गाने करिए, तब जाके आपका एक राग तैयार होगा अच्छे से। सेम यही प्रोसेस दूसरे राग की बात करते हैं तो दूसरा राग है राग पहाड़ी। तो राग पहाड़ी भी एक ऐसा राग है जिसमें आपको दुनिया जहान के सारे गाने मिल जाएंगे। तो अभी इस राग पहाड़ी के बारे में जानते हैं। तो राग पहाड़ी की खासियत क्या है कि ये एक लाइट क्लासिकल म्यूजिक का राग है, इसमें हम कई दफ़ा 12 के 12 स्वरों का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक इसका आरोह अवरोह बजा के दिखाता हूँ। आरोह अवरोह कैसे, देखिए, सा, ये इसका आरोह है राग पहाड़ी का, ये इसका आरोह है आरोह अवरोह, यानी कि आरोह में लग रहा है सा रे गा पा धा सा, सारे ही स्वर शुद्ध है, और वापिस में सा नी धा पा मा गा रे सा। और कई दफा हम अवरोह आरोह जो हम वापिस आते हैं अवरोह बजाते हैं इस राग में, हम क्या करते हैं कोमल नी कोमल धा पा धा सा ये भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये राग एक ऐसा राग है जिसमें हम 12 स्वरों का प्रयोग कर देते हैं, राग भैरवी की तरह एक ये भी एक ऐसा राग है जिसमें 12 स्वरों का प्रयोग हो जाता है। तो अभी मैं आपको आरोह अवरोह दोनों बजा के दिखाऊं, देखिए। ये है पूरा राग, राग पहाड़ी। अभी इस राग को भी सेम उसी प्रोसेस से तैयार करना है, हर एक स्केल से इसका आरोह अवरोह बजाना आता हो, प्लस फिर आपको पूरे हारमोनियम पर इसका आरोह अवरोह बजाना आना चाहिए। फिर इसी तरह जैसे आपने राग राग शिवरंजनी का जैसे मैंने आपको बताया, आप सर्च करिए गूगल में सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग पहाड़ी, आपको दुनिया जहान के जितने भी गाने होंगे राग पहाड़ी में आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। आप कोई भी गाना उठाइए और उसको निकालिए, यहाँ से पहली काली से, फिर दूसरी से, तीसरी से, इसी तरह उस गाने को हर एक स्केल से बजाइए। इस तरीके से ये आपका राग तैयार होगा। इसी तरह तीसरे राग की बात करते हैं, राग दरबारी। ये भी अपना एक बहुत ही फेमस राग है जिसमें आपको बहुत सारे फिल्मी गाने मिलते हैं। अभी इस राग की खासियत क्या है कि इसमें 3 स्वर कोमल होते हैं, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, बाकी के सारे स्वर शुद्ध होते हैं। चलिए इस राग के आरोह अवरोह देख लेते हैं। ये भी आपका राग दरबारी है, इसमें 3 स्वर कोमल यूज हो रहे हैं, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। सिंपल अवरोह सिंपल आरोह अवरोह सिंपल है, सा रे गा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा पा धा नी सा। इसी तरह इस राग को भी हर एक इस राग के आरोह अवरोह को हर एक स्केल से तैयार करिए, फिर पूरे हारमोनियम पर बजाना सीखिए इसको। इसी तरीके से आप इस राग के गाने निकालिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग दरबारी, आपको दुनिया जान के गाने मिल जाएंगे। फिर उन गानों को अलग अलग स्केलों से तैयार करिए, हर एक राग के कम से कम 4 से 5 या 6 गाने तैयार करेंगे तभी आपको उस राग की गहराई में जानकारी होगी, तभी आप उस राग को बड़ी गहराई में समझ पाएंगे। अभी आखिरी राग की बात करते हैं, राग चारुकेशी। ये भी एक ऐसा फेमस राग है जिसमें आपको बहुत सारे फिल्मी गाने और फिल्मी भजन भी मिलेंगे। कुछ तो मेरे दिमाग में जैसे ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा जी का ये भजन है, ये राग चारुकेशी पर है। जैसे कि एक गाना है बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था, वो भी गाना राग चारुकेशी पर बेस्ड था। तो राग चारुकेशी में 2 स्वर कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, 2 कोमल स्वर हैं कोमल धा और कोमल नी। चलिए राग चारुकेशी देखते हैं। इस तरीके से इस राग के आरोह अवरोह को भी हर एक स्केल से बजाइए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उस राग के स्वरों की, और प्लस पूरे हारमोनी पे बजाइए, यानी कि अगर यहाँ से शुरू किया तो पूरे ऊपर तक जाइए और नीचे तक आइए, देन
इसी तरह जैसे हर एक राग के गाने आपने निकाले, इस राग के भी आप गूगल पे जाइए और गाने निकालिए और उन गानों को अलग अलग स्केल से बजाइए, तभी आप राग को गहराइयों में समझ पाएंगे, राग के स्वरों को समझ पाएंगे। एक बार आप राग के स्वरों में समझ गए कि राग के स्वरों का जो जो आवाज़ है वो कैसा है, तो फिर आप दुनिया जहान का कोई भी गाना चल रहा होगा तो आप फट से उस गाने को बता देंगे कि ये गाना फलाने राग में, ये गाने के जो स्वर हैं कुछ इस प्रकार हैं, और आप खुद भी गानों की कंपोजिशन बनाने लग सकते हैं। जो भी लोग जो कंपोजिशन बनाते हैं वो इसी टेक्निक के बेसिस पे बनाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो राग के जो स्वर हैं इस कदर बैठ रखे हैं, वो किसी भी गाने को कैसे भी कंपोज कर सकते हैं। तो सारा खेल इसी चीज़ का है, प्रैक्टिस की बात है। जितना आप हारमोनियम में घुसेंगे उतना आपको हारमोनियम अच्छा बजाना आएगा, उतनी जल्दी आप सीखेंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस ही आपका गुरु है। चाहे आप एक राग सीख लीजिए, दो राग सीख लीजिए, तीन सीख लीजिए, चार सीख लीजिए, आप उसी में पूरा संगीत समा सकते हैं। वो आपकी मेहनत है, आपकी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ चार रागों के बारे में बताया, जिसमें आपको दुनिया जहान के सारे गाने मिल जाएंगे, सारे गाने कवर हो सकते हैं अगर आप इन रागों को तैयार कर लेते। राग का तैयार करने का मतलब ये नहीं होता कि राग की बंदिश करेंगे तभी आपका राग तैयार होगा। राग को तैयार करने का मतलब होता है कि राग के स्वरों को समझना। अभी वो डिपेंड करता है आप खाली आरोह बजा के समझ रहे हैं वो स्वर को समझ रहे हैं, या फिर गाने बजा के समझ रहे हैं, या फिर खाली आप सुन के समझ रहे हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, समझने का। मेन चीज़ है कि स्वरों को समझना, किसी भी राग के स्वरों को समझना, उसको बोलते हैं राग की तैयारी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में। शुक्रिया।